चैनकुली की मैनकुली मूवी चाइल्डहुड में सबने कभी ना कभी देखा तो होगा ही, और अपना क्रिकेट बैट हाथ में लेके चैनकुली की मैनकुली भी शायद कभी कभी तुमने बोला ही होगा, और या फिर तुम सब नॉर्मल हो एंड मैं ही ऐसा हरकत करता था। खैर, अचानक कुछ दिनों पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि चैनकुली की मैनकुली की कास्ट अब कैसे दिखती होगी, तो मैंने यूट्यूब खोला और कुछ वीडियो भी आ गए। मैंने देखा तो मुझे इसका मेन लीड का नाम मिला जो है जैन खान, बट 2007 की चैनकुली की मैनकुली से 2023 का जैन खान इतना अलग क्यों दिखता है? तो मुझे पता चला कि दोनों एक्टर्स बिल्कुल अलग अलग है। इवन दोनों के नाम में सिमिलैरिटीज होने के बाद भी इनका नाम जैन खान है और इनका नाम है जैन खान दुरानी, और मार्केट में अब दुरानी भाई साहब भी चल रहे हैं, तो हमारा जैन खान मिलना मुश्किल होगा। लेकिन मेरी रिसर्च एक ऐसे एंड पे आके रुकी कि मुझे अब तुम्हारा हेल्प चाहिए। बट अगर तुम्हें इस जैन खान के बारे में जानना है कि अब ये कर क्या रहा है या फिर ये दिखता कैसा है, देन फिलहाल यूट्यूब पे मौजूद कोई भी वीडियो तुम्हें जैन खान तक पहुंचा नहीं पाएगी। और अगर तुम्हें टाइम बचाना है तो इस वीडियो को भी अभी क्विट कर दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ डिसअपॉइंटमेंट ही लगने वाली है। बिकॉज ये बंदा एक रियल लाइफ घोस्ट है, क्यों मानना मुश्किल है, लेकिन आगे वीडियो देखो कुछ ऐसी चीज जानने वाले हो जो पॉसिबल ही नहीं। अब इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा करण जैन खान पे, लेकिन जैन खान को जानने से पहले एक छोटा सा रियलिटी चेक देता हूँ कि चैनकुली की मैनकुली एक हॉलीवुड मूवी लाइक माइक की रीमेक है, बट कॉपी पेस्ट नहीं, क्योंकि अमेरिका में क्रिकेट नहीं चलता और इंडिया में बास्केटबॉल। तो लाइक माइक मूवी में स्पोर्ट्स था बास्केटबॉल एंड बैट की जगह थे शूज, और इंडिया में उसे चेंज करके इंडिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट से रिप्लेस कर दिया गया, जो कि एक स्मार्ट मूव था, और इसीलिए इस मूवी को इतना ज्यादा एक्सपोजर मिला कि आज भी टीवी पे जब ये मूवी आती है तो दूसरी तरफ कोई भी मूवी चले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस चोमू को देखना है। एंड करने से मुझे सच में जलन होती थी कि ये बंदा 1.3 बिलियन लोगों में इकलौता है जिसको मैजिक बैट मिला एंड इसे राघव को उसे तोड़ने भी दिया। डैम आई हेट दिस बॉय। बट वीडियो की मेन टॉपिक पे आते हैं, इस मूवी की कास्ट तुम्हें आराम से मिल जाएगी गूगल पर, इवन ये डब्बू ये भी तुम्हें मिल जाएगा। एंड हाँ, ये अब डब्बू नहीं रहा, लेकिन जैन का नामो निशान नहीं है। मैंने इसे कहा नहीं ढूंढा, फेसबुक इंस्टा ट्विटर स्नैपचैट जैन कहीं पे भी नहीं है। इवन 16 साल बाद ये कैसा दिखता है उसका भी किसी को अंदाजा नहीं। आखिरी बार इसको देखा गया था 2010 की चार्ल्स पिटास मूवी में टीना के ब्रदर के रोल में। उसके बाद ये कहा गया क्या हुआ इसके साथ किसी को कुछ खबर नहीं, और करीब एक हफ्ते की रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि एक्टिंग के अलावा भी इसे स्पोर्ट्स का शौक था, नहीं क्रिकेट का नहीं बल्कि डर्ट बाइक्स का। और ये वीडियो ही लास्ट वीडियो है एंड इसके बाद इंटरनेट पे जैन कहीं नहीं मिले, और मूवी की जर्नी जो 2005 की परिणीता मूवी से शुरू हुई थी वो 2010 की चार्ल्स पिटास मूवी के बाद खत्म। और मजे की बात तो ये है कि आईएमडीबी में दिखाएगा कि एक्स ब्रिज नाम की एक टीवी सीरीज पे जैन काम कर रहे हैं, लेकिन जिस बंदे को जैन खान कहा जा रहा है वो कोई अलग ही इंसान है। तो सॉरी, मुझे भी जैन की लेटेस्ट इमेजेस नहीं मिले, लेकिन जिस बंदे ने बूस्ट से लेकर पेप्सोडेंट एंड लक्स तक 100 से भी ज्यादा कमर्शियल एड्स में काम किया है और बॉलीवुड का एक टाइम तक हाईएस्ट पेड चाइल्ड एक्टर था, वो गया कहा? तो वो गया मुंबई के एमएम के कॉलेज में बीबीए पढ़ने। लेकिन यही इन्फॉर्मेशन लास्ट है जो इंटरनेट पे मौजूद है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ जैन को ही पता है कि वो कहा है। और अगर आपको कहीं ये भटक गया बच्चा दिखे तो एक पिक्चर लेके सोशल मीडिया में अपलोड कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा कुछ करण अब कर क्या रहा है। लेकिन मानना होगा बंदे को, अगर इसकी उम्र 2007 के चैनकुली की मैनकुली मूवी में 15 भी पकड़ के चले तो अभी तक 31 का हो गया है ये लौंडा। और ना तो इसके सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट है और ना ही कहीं पे कोई नामो निशान, जबकि बहुत कम उम्र में ही जैन को अच्छा एक्सपोजर मिल चुका था। और उम्मीद है जैन जहाँ पे भी हो अच्छे से अपना लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। एंड अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्योंकि मैं तो टूट चुका हूँ भाई साहब, प्लीज जैन कहाँ है, क्या कर रहा है, कम से कम दिखता कैसा है, ये एक फोटो मुझे इनबॉक्स कर दीजिए। मुझे भी अपना बैट पकड़ के चैनकुली की मैनकुली कहना है फिर से। वैसे अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड इस पॉप कल्चर फैमिली से जुड़ा है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन अगर लाल है, वैसे अभी तो उसने भी अपना रंग बदल लिया है। खैर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक मैजिक बैट मार देना उस बटन पे। एंड मी साइनिंग ऑफ, यू जस्ट वॉच्ड शो डिफाइन।